गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक है। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। एंड जस्ट मैं अभी उठी हूँ, थोड़ी देर ही हुआ है। कल रात एक्चुअली मैं एडिटिंग कर रही थी तो इसीलिए मुझे लेट हो गया है। एंड आप लोगों को पता ही है मेरा डेली रूटीन जो है एडिटिंग करके चला जाता है, या खुद का जो मतलब बिजी शेड्यूल चल रहा है। इन दिनों मैं बहुत ही बिजी हूँ एंड आज भी बहुत काम है मेरे को। कुछ पर्सनल काम भी है एंड कुछ घर का काम भी है। तो वो क्या है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले तो मैं ये दिखा लेती हूँ कि आज मुझे मिलने कोई आएगा, वो कौन है आप लोग को पता चल जाएगा। पहले आप लोग जस्ट सोचिए कि कौन है। पहले भी मैं मिला चुकी हूँ कौन है। बहुत ही स्पेशल एंड ख़ास है वो मेरे लिए। वो बहुत दिनों के बाद फिर से आ रही है, आ रहा है कि आ रही है, आप लोग को पता चल जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। तो चलिए कौन है मैं पहले दिखा देती हूँ कि कौन है। अभी मैं उठ के मैंने सोचा कि लंच भी बना लेती हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं। तो पहले तो मैं लंच बना लेती हूँ। एंड फाइनली नानी आ गई। आप देख सकते हो फाइनली नानी आ चुकी है। केले रोकी दिला अपने है ना, झुंडी डाला वाला हिला नहीं है हां। अरे तुम भाई मन रखते पैन को फाइनली तो नानी पहुंच गई है। सुबह उठ के बहुत अच्छा नज़ारा मिल गया बाहर देख के कि नानी पहुंच गई है घर। एंड बहुत दिनों बाद आई है क्योंकि ऑलमोस्ट वो गांव गई थी। एंड अभी मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा, क्योंकि विदाउट नानी आप लोग को पता है मेरे को भी बोर लगता है, अच्छा नहीं लगता है। एंड फाइनली पहुँच गई। हाय कोई डियो को मोर यूट्यूब फैमिली, हाय कोई डियो। आके यहाँ पे आप देख सकते हो नानी बिल्कुल पूरा कामों में बिजी है। अभी कुछ काम कर रही है, पता नहीं वो क्या कर रही है बस्ती को लेके। तो ये रही नानी को, मतलब शांत नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। मतलब जब भी आती है या घर पे रहती, काम काम काम, सिर्फ काम ही करती रहती। जितना भी मना कर लो आप लोग, काम करती रहती है ना।
एक साइड में केक बना रही हूँ, ऊपर से लंच भी बना रही हूँ। आज बहुत ही काम है, आप देख भी सकते हैं। ऑलरेडी मैंने रेडी किया है कप केक्स बनाने के लिए। एंड यहाँ आप देख सकते हो अंडा करी बन रहा है, लेकिन अभी तक मैंने अंडा नहीं दिया, लास्टली अंडा दूंगी। एंड यहाँ पे मैं पीनट भी ड्राई फ्राई कर रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ, मैं चटनी बनाने के लिए। ये मेरा कपकेक का वो भी हो गया, मैं डाल के अभी मैं इसको ओटीजी में डाल दूंगी। मैंने एक केक मैंने बना लिया छोटू सा ड्राई फ्रूट्स देख के। जब मैं इसको निकाल के पीस करूँगी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। एंड यहाँ आप तिल चटनी भी देख सकते हो, मैंने तिल चटनी भी बना लिया है, पीनट का चटनी भी बना ली हूँ लंच के लिए। आप देख सकते हो नानी भी मुझे हेल्प कर रही है, पीनट को रोज जो किया था अभी इसका छिलका छिल दिया है नानी ने, तो इसको अभी चटनी बना लेंगे। क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, केक भी बना रही हूँ, लड्डू एंड ऑल बहुत काम था ना, तो इसीलिए नानी जी मतलब नानी भी मेरे को बहुत ही अच्छे से हेल्प कर रही है। और ये भी बनाना है अभी कपकेक्स सिनेमन का। एंड ये मेरा पीनट का चटनी भी हो गया है। एंड जो अभी अभी मैंने तिल की चटनी बनाया था, ये वाला तिल थोड़ा डिफरेंट टाइप का तिल है, जो ब्लैक तिल होता है वो नहीं है एंड वाइट तिल भी नहीं है, थोड़ा राउंड राउंड में, इसको ऐसे में इसमें आहू तिल बोलते हैं। एंड ये बहुत ही फेमस है आसाम में, तो इस ये आहू तिल जो है इसका जो मतलब रेसिपी है, आप चिकन में भी यूज़ कर सकते हो, चटनी में भी यूज़ कर सकते हो एंड पाई बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी होता है इसका, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अगर मिले तो ये वाला। एंड यहाँ आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स वाला कपकेक भी हो गया, अभी इसको भी निकालूंगी क्योंकि और भी बनाना है फ्रेंड्स लोगों के लिए मेरे को। कपकेक जब भी बनाती हूँ फ्लोरेंटिन पेन में बनाती हूँ, बिकॉज आई लव फ्लोरेंटिन। एंड पहले तो मैंने ये वाला स्टॉक में था तो ये वाला यूज़ किया था, अभी ये खत्म हो चुका है तो आई एम यूजिंग द फ्लोरेंटिन पेन से। एंड आप खुद ही देखिए कि मैं फ्रूट से कलर ले रही, तो इसको अभी मैं यूज़ करूँगी।